डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो है, देखिए सोप नामक टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सोप के बारे में डिटेल स्टडी कराया था। देखिए इस पार्ट में हम जो है आपको जो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में डिटेल आइडिया देंगे। देखिए एक्चुअल में ये सोप जो है कैसे जो है कोई भी किसी भी क्लॉथ को क्लीन कैसे करता है या कोई भी आइटम को क्लीन कैसे करता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल आइडिया देंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि ये जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ये एग्जामिनेशन में आता है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो सोप का मालिकूल होता है वो टैडपोल शेप का होता है, उसको कहते हैं टैडपोल स्ट्रक्चर, तो टैडपोल शेप का होता है। अब देखिए मैं आपको सोप का मालिकूल जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी मालिकूल जो है ड्रॉ करने के लिए एग्जामिनेशन में आता है। तो देखिए एक्चुअल में सोप का मालिकूल जो है हम आपको ड्रा करके दिखाएंगे। देखिए इसमें कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखिए 16 and 17 नंबर ऑफ कार्बन। देखिए एक्चुअल में जो आपका सोप का जो फार्मूला होता है वो होता है C17H35, देखिए COONA, देखिए ये होता है आपका जो है सोप का फार्मूला। इसको कहते हैं सोडियम स्टीरिएट। तो देखिए कोई बात नहीं, अब हम आपको बताएं कि जो है ये जो है आपका, देखिए नंबर ऑफ कार्बन 17 था तो मैंने, अच्छा यहां पर सब जगह जो है आपको हर प्लेस पर हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। अच्छा इसके बाद जो है यहां पर देखिए, देखिए ये तो 17 कार्बन हो गया, बट इसके बाद भी देखिए सी, तो सी के साथ एक डबल बॉन्ड होता है, और समझिए ध्यान से, और एक ओ है, तो ये है आपका सी ओ ओ, और इस पर माइनस चार्ज। और देखिए जो सोडियम होता है सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका सोप का स्ट्रक्चर, ये जो है क्या है, ये सोप का स्ट्रक्चर है। देखिए अब हम आपको बतावें इसके बारे में, ये देखिए ये पोर्शन जो है C17H35 वाला पोर्शन है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट। देखिए ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट होता है ये चूंकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए नॉन पोलर होता है, तो ये जो ये मॉलिक्यूल जो है C17H35 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा ये जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसको कहते हैं नॉन पोलर पार्ट, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर पार्ट।
तो ये नॉन पोलर पार्ट हो गया आपका, नॉन पोलर पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये पार्ट, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट आइटम है, हाइड्रोफोबिक, जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट जो है वाटर हेटिंग पार्ट है। इसको कहते हैं वाटर हेटिंग पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? वाटर हेटिंग पार्ट। देखिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर हेटिंग पार्ट कहते हैं। और ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल। देखिए, ये सारी बातें एक एक पॉइंट जो है आपको जानना है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल इन आयरन। ये पार्ट जो है ऑयल में जो है सॉल्युबल, बात समझिए, सॉल्युबल इन आयरन, सॉल्युबल इन आयरन। तो ये देखिए, पूरी स्टोरी जो है ये आपका, जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसकी है। इसको आपको बहुत डीप, मतलब क्लियर समझना है। देखिए, ये नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर पार्ट कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग पार्ट। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और देखिए सॉल्युबल इन आयरन होता है। क्लियर समझ गए होंगे? अब देखिए, ये जो पार्ट है ये पोलर पार्ट है, या पहले तो इसको देखिए, एक्चुअल में ये पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए, ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। ये जो पार्ट है ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोलर पार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलर पार्ट कहते हैं। देखिए, लेकिन ये पार्ट जो है आप समझिए, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। देखिए, इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट। समझिएगा, ये वाटर लविंग पार्ट कहलाता है। अच्छा, ये जो पार्ट है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है? पोलर पार्ट है। तो ये वाटर भी हमारा क्या होता है? पोलर। तो इसलिए ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये पार्ट जो है सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, इसीलिए सॉल्युबल होता है क्योंकि ये पोलर पार्ट है। तो पोलर पार्ट जो होता है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। हमारा वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, ये जो होता है इनसॉल्युबल इन आयल, आयल में ये पार्ट इनसॉल्युबल होता है। जस्ट रिवर्स चल रहा है, इनसॉल्युबल इन आयल ऑब्लिक ग्रीस। देखिए,
इनसॉल्युबल इन आयल ऑब्लिक ग्रीस, बट ये पार्ट सॉल्युबल इन आयल ऑब्लिक ग्रीस होता है। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने डिटेल आपको अभी अभी आइडिया दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये पोलर मॉलिक्यूल है ये पार्ट, इसके अलावा ये पोलर पार्ट कहलाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट कहलाता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल जो है ये आयल एंड ग्रीस में होता है। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके सोप मॉलिक्यूल का। अब देखिए एक चीज मैं यहां बताऊंगा, इसको जो है एक्चुअल में जब आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो देखिए ये इसका जो है फिगर ड्रा करने के लिए आएगा तो आप काउंट कर लीजिए 17 कार्बन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहां पर ये एक जानते हैं ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये जो है देखिए एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये पूरा इंडिकेट करता है COO को। तो देखिए लिखते भी नहीं है, यहां माइनस साइन लगा देते हैं। और इसके बाद यहां पर क्या है, Na पॉजिटिव। बस देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए ये आपको आप सपोज करिए कि सोप मॉलिक्यूल का फिगर बनाने को आ जाए तो आप ऐसे ड्रा कर दीजिए, आप ऐसे क्या करिए ड्रा कर दीजिए। हाँ ये है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए एक्चुअल में मतलब बाई चांस जितना चाहिए उतना ही बना है, तो आप उसको बना लीजिए भाई। चलिए ठीक है, इसके बाद एक चीज और मुझे बताना है कि देखिए सपोज करिए ये जो है COO को इंडिकेट करता है, तो आप यहां पर COO अगर लिख देंगे तो और क्लियर रहेगा, बट ये COO को इंडिकेट करता है, समझिए। अब हम आपको बतावें कि आप चाहें तो देखिए एक्चुअल में आप इसे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे जो है ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो है आपने बना दिया, इसके बाद जो है यहां पर आप डबल बॉन्ड और यहां पर आप क्या करिए ओ, बात समझिए, और यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर Na, तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका मतलब बस ये हो जाएगा, हो गया आपका, हो गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, ये आपका सोप जो है जो सोप का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये जो है ये सोप मॉलिक्यूल है और ये है ये भी सोप मॉलिक्यूल है, पर तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। यहां पर COO में हमने क्या किया है नीचे लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। बस अब हमको देखिए एक्चुअल में आपको ठीक है सोप मॉलिक्यूल के बारे में आप जान लिए, अब हम क्लीनिंग एक्शन के बारे में आपको क्या करेंगे स्टडी कराएंगे। तो देखिए एक्चुअल में सपोज करिए ये आपका एक कोई भी पार्ट है, ठीक है, और इसमें ये वाटर है, आप देखिए ये वाटर है, ठीक है, टाइम लगेगा इसलिए आप इतने से ही समझ जाइए ये वाटर है। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में जब सोप का देखिए जब सोप इसमें डिजॉल्व होता है तो
ये जो सोप के मालिक का कूल है, देखिए ये है सोप का, यहाँ पर आपको काउंट ऑन करके नहीं बनाना है, ऐसे डायरेक्ट बना दीजिए आप। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बना दीजिए और कुछ नहीं करिए। देखिए एक हमको थोड़ा सा इसका हेल्प लेने दीजिए, यहाँ पर माइनस चार्ज कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या करिए, सोडियम प्लस। और देखिए सीओ लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगला देखिए, एक और जो है सोप मॉलिक्यूल हम लोग क्या कर लें, ड्रा कर लें। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में एक माइनस चार्ज लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दें, सोडियम आयन, बस हो गया। यहाँ एक और जो है हम लोग क्या करें, देखिए ये जो है सोप का मॉलिक्यूल, देखिए अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए ये यहां पर देखिए ये माइनस चार्ज और यहां पर आप क्या करिए, सोडियम प्लस, ठीक है। इसके बाद एक सोप, देखिए ये सोप के मॉलिक्यूल्स जो है इसको आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये देखिए ये ड्रा हो गया, अब यहां पर ये माइनस चार्ज और यहां पर देखिए एनए, यहां पर एनए एनए पॉजिटिव चार्ज। एक और सोप का मॉलिक्यूल आप बनाइए, चलिए देखिए ये जो है आपका, देखिए यहां पर क्या हो गया, ये माइनस चार्ज जो कि मैं ब्लू कलर से ड्रा कर रहा हूं, माइनस चार्ज और यहां पर आप क्या कर दीजिए, यानी पॉजिटिव। देखिए एक और यहां पर ड्रा कर लीजिए, चलिए एक और ड्रा कर लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए ये माइनस चार्ज और यहां पर आप क्या लिख लीजिए, यानी पॉजिटिव। तो देखिए एक्चुअल में ये क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सोप को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सोप के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, इस तरह से जो है एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। देखिए यहां पर एक स्फेरिकल क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं और इस स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं, देखिए एक्चुअल में मिसेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिसेल। देखिए एक स्ट्रक्चर बन गया, देखिए इसको जो है क्लस्टर ऑफ सोप कहते हैं। ये क्या है, क्लस्टर, देखिए क्लस्टर ऑफ सोप है, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, मतलब सोप के मॉलिक्यूल का ये क्लस्टर है, सोप मॉलिक्यूल। देखिए ये जो है एक्शन हो जाता है और ये स्फेरिकल जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मिसेल्स। ये एग्जाम में आ चुका है, ये मिसेल्स है, समझिए, मतलब भाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर को मिसेल्स कहते हैं। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, तो समझिए। तो सपोज करिए हमको अब आपको ये बताना है कि देखिए क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। तो जब आप क्लॉथ को इसके अंदर जो है भाई क्या करते हैं, भाई इसके अंदर डालते हैं, समझिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो क्लॉथ को जो है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही चीज यहां पर भी है, ऐसा मत समझिए। तो जब देखिए एक्चुअल में मैं एक डर्ट जो आपका डस्ट पार्टिकल, सपोज करिए वन डस्ट पार्टिकल को एग्जांपल दूंगा, तो देखिए एक्चुअल में ये सपोज करिए ये यहां पर क्या है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये देखिए ये जब डस्ट, ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये जो डस्ट पार्टिकल है
तो ये जो हमारा जो शॉप के मालिकुल है, अब समझिए जरा ध्यान से, शॉप के मालिकुल है ये क्या करते हैं, देखिए इससे जो है अटैच हो जाते हैं। देखिए आप समझ, क्लियर बात को समझिए कि कहने का मतलब ये है, ये डस्ट पार्टिकल क्या है, ग्रीस पार्टिकल है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब हम क्लीनिंग क्लॉथ का करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है वो तो देखिए एक्चुअल में वो पार्टिकल तो अपने आप जो है वाटर में रिलीज हो जाते हैं, हाँ भाई, लेकिन वो पार्टिकल जो क्लॉथ से चिपके रहते हैं, समझिए वो पार्टिकल उससे ग्रीस पार्टिकल, वो ग्रीस या आयल पार्टिकल। तो देखिए ये करते क्या है, क्योंकि देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि देखिए ये पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है। तो देखिए एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर जो है हमने कहा ना ऐसे होता है, ठीक है, समझिए। तो जो ग्रीस पार्टिकल है उसको इसमें क्या करते हैं ये लोग, फंसा लेते हैं, समझिएगा क्यों, क्योंकि ये जो है वाटर लविंग नहीं है, ये जो वाटर हेटिंग है, समझिए ग्रीस लविंग है, ये ग्रीस लविंग पार्ट है। तो इसका मतलब ये है, ये ग्रीस पार्टिकल को देखिए, ये जो हमारा डस्ट पार्टिकल जो ग्रीस है ये क्या है, इसको देखिए चारों ओर से इन्होंने क्या कर लिया है भाई, अपने अंदर फंसा लिया। अब देखिए होता क्या है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है इससे अटैच हो चुका है, ठीक है। अब जो है, और एक बात और बता दें, ये जो पार्ट है पोलर पार्ट है, ये क्या है, वाटर लविंग पार्ट है। तो ये जो देखिए एक्चुअल में वाटर के, ये जो वाटर जो पार्टिकल है ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो ये क्या करते हैं, पोलर पार्ट को, इस पार्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, किस लिए, लव करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये वाटर लविंग पार्ट है। तो देखिए ये जो है चाहेगा अपसाइड में, मतलब समझिए, तो ये जब भाई वाटर लविंग पार्ट है तो ये वाटर से अट्रैक्ट होगा, तो जब अट्रैक्ट होगा तो देखिए चूंकि ये डस्ट पार्टिकल जो है ये कहां है, अरे भाई ये जो आपका ये जो मिसल बना हुआ है, तो मान लीजिए इस जो सोप मालिकूल में ये सारे मालिकूल जो है इसको क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं, चारों तरफ से जो है फंसा लिए हैं। तो अगर ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होकर के दूर जाएंगे, तो इसको ये मत सोचिएगा क्लॉथ से क्या करेंगे, क्योंकि उसको क्या किए हैं, अपने साथ जो है इनक्लोज कर लिए हैं। तो क्या होता है, ये जो है ये जब दूर जाते हैं, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये डस्ट क्या होता है, वाटर में गिर गया, वाटर में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो, तो देखिए मैंने एक जो है ग्रीस पार्टिकल का एग्जांपल दिया, और इसी तरह से देखिए एक्चुअल में ये जो आपका अट्रैक्शन होता है ये पार्ट, उसी वजह से, और ये पार्ट जो है इसको जो है अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर समझिए इनक्लोज कर लेता है। तो इससे क्या हो गया, आपका डस्ट पार्टिकल जो है वाटर में गया। तो ऐसे ही जो है इसी एक्शन से पूरा जो है डस्ट ग्रीस, मैं देखिए डस्ट की बात बोल रहा हूं, बट वह पार्ट जो
भाई देखिए, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो क्लास से चिपके नहीं रहते, वो तो वाटर में डालने से ही आपका क्या हो जाते हैं, वो वाटर में चले जाते हैं। बट जो जो पार्ट क्लास से जो है पूरा चिपक गया है, उस पार्ट को ये सोप जो है क्या करता है, क्लीन करता है। तो यही है क्लीनिंग एक्शन। अब हम आपको बस एट लास्ट जो है ये बताना चाहेंगे कि देखिए, सोप पार्ट हमारा समाप्त तो हो गया है, बट जो सोप है ये देखिए, इस पार्ट में हमको एक चीज बताना है कि ये जो सोप सॉल्यूशन होता है या जो सोप है, एक्चुअल में बेसिक नेचर का होता है। ये आप जानिएगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर का होता है तो लिटमस से इसका बिहेवियर क्या होगा, रेड कलर को ये क्या करेगा, ब्लू कलर में चेंज करेगा। ये आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आइटम है। रेड कलर को क्या करता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इसके बाद एक और आइटम हमको आपको बताना है कि सपोज करिए C17 H35 COOH और ये देखिए C15 H31 COOH, C17 H31 COOH। इसका नेम आप लोग, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं बट इस समय भी देख लीजिए, स्टीयरिक एसिड, ये है आपका स्टीयरिक एसिड। अच्छा, जो 15 वाला है वो पामिटिक एसिड, वो क्या है, पामिटिक एसिड। और देखिए ये 17 है यहां बट यहां 31 है, ध्यान दीजिए, इसमें 17 और 35 है बट यहां पर 17 और 31, इसको याद करिए। ये लिनोलिटिक एसिड, ये क्या कहलाता है, लिनोलिएटिक एसिड। देखिए ये है आपका लिनोलिएटिक एसिड। तो ये जो है आपको इसलिए बताया गया कि इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। आप कैसे जानेंगे, कैसे इसे याद रखेंगे, 17 और 35 स्टीयरिक एसिड, 15 और 31 पामिटिक एसिड, बात समझिए। और 17 के साथ अगर हाइड्रोजन 31 है, देखिए इसके बराबर बट कार्बन कितना है, 17, तो ये हो जाता है लिनोलिएटिक एसिड। देखिए एक्चुअल में ये सब जो है CH3COH, मतलब जो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, इसी तरह के हैं। बस यही है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है प्लस हाइड्रोजन दोनों चेंज हो जा रहा है, बस। तो इस तरह वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपको डिटर्जेंट के बारे में स्टडी कराएंगे। धन्यवाद।